आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल। घरोंडा 9000 की किस्त के लिए फाइनेंसरों ने एक परिवार को किया 3.5 घंटे प्रताड़ित। टॉर्चर से आहत व्यक्ति ने की आत्महत्या। मृतक के पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। वसूली के लिए घर सामान उठाने की तैयारी में थे, फाइनेंसर मासूम बच्चे छोड़ते रहे कार। महिला और बच्चों के साथ की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ किया मामला दर्ज। दोनों आरोपी फाइनेंसर फरार। बता दें कि फाइनेंसरों की प्रताड़ना से तंग आए 40 वर्षीय सुरेश कुमार ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक के परिजनों ने मिली जानकारी के अनुसार करीब 9 माह पहले सुरेश कुमार ने आय फाइनेंसर प्राइवेट लिमिटेड से 1,35,000 का लोन लिया था। सुरेश कुमार नियमित रूप से अपने लोन की किस्त अदा कर रहा था। इसी महीने आर्थिक तंगी के चलते उसने मासिक किस्त देने से देरी कर दी। किस्त लेट होने पर कंपनी के दो फाइनेंसर सोमवार शाम करीब 4 बजे सुरेश के घर पहुंचे। दोनों फाइनेंसरों ने सुरेश पर मासिक किस्त देने का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। रात करीब 7:30 बजे तक फाइनेंसर सुरेश कुमार को प्रताड़ित करते रहे। इस दुबारे आए थे मेरे नादी भी न मार गया वो न बोले किस्त दे आज नहीं उड़ी ना मिलेंगे हम उसने कहीं भी बकल दे दूंगा मानने को नहीं तू कहीं भी ला किस्त इविला कहीं तो ला जाए केवल मात्र 9000 रुपए की वसूली के लिए दोनों आरोपियों ने सुरेश कुमार और उसकी पत्नी व बच्चों को 3.5 घंटे तक टॉर्चर किया। इस दौरान मृतक ने फाइनेंसरों से गुहार लगाई कि वह कल सुबह ही उनकी किस्त अदा कर देगा, लेकिन वे नहीं माने और पूरे परिवार को जलील करते रहे। उन्होंने बच्चों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अपने बीवी बच्चों के सामने सुरेश कुमार से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और उसने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। इसके बाद दोनों फाइनेंसर मौके से फरार हो गए। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर फाइनेंसरों की तलाश शुरू कर दी है। सुनिए क्या कहा इस पूरे मामले में थाना प्रभारी ने। सर, तो सुरेश कुमार की मौत का क्या मामला है? सुरेश कुमार ने कल हैंगिंग से उसकी डेथ हुई, सुसाइड कर लिया। उसमें पता चला है कि दिन में कोई फाइनेंस कंपनी थी जिसमें उसने उनकी कोई किस्त बकाया थी 9,271 रुपये बकाया थी, जिसके लिए वो करीब 4 बजे के करीब इनके पास आए। उन्होंने इसको इतना प्रेशर किया इसके सामान की लिस्ट तक बनाई, हम ये भी दे देंगे, ये भी उठा के ले जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनसे वो निद होकर उसने रात सुसाइड कर लिया। क्या कार्रवाई? पर्चा दर्ज हो गया तो कार्रवाई चलिए, जल्दी उन्हें अरेस्ट किया जाए। पर्सनल आदमियों का जिनका उन्होंने नाम दिया है, आगे जो भी जांच में आएगा उनके खिलाफ सबके खिलाफ कर दिया। दो आदमियों का नाम दिया। एएनटी नेशनल के लिए घरोंडा से सुरेंद्र पांचाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।